मेट्रो ट्रेन परियोजना के शिलान्यास समारोह में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कह दिया कि इस प्रोजेक्ट को कैलाश विजयवर्गीय ने नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए तैयार किया था। सुमित्रा ताई महाजन और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था। इस पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने जवाब दिया कि तब भी केंद्र में कमलनाथ शहरी विकास मंत्री थे, भाजपा सरकार ने सिर्फ सपने दिखाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा कि जब मैं जयपुर मेट्रो परियोजना के शुभारंभ समारोह में गया तब मुझे लगा कि इंदौर और भोपाल में भी मेट्रो रेल की जरूरत है। तब प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर को बुलाकर मैंने कहा कि DPR तैयार करें। उन्होंने कहा कि DPR बनाना खर्चीला है, तब मैंने DPR के लिए भी राशि स्वीकृत की थी। उस समय इस मेट्रो के DPR बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी और आदरणीय सुमित्रा महाजन जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको मूर्त रूप दिया था। मेट्रो की शुरुआत हो रही थी जयपुर में। मैंने अपने मन में सोचा कि मेट्रो जयपुर तक आ गई, राजस्थान तक, राजस्थान में होगी, हमारे मध्य प्रदेश में इसका कोई नाम निशान नहीं। मैंने दिल्ली वापस आकर, मैं शहरी विकास मंत्री था, मैंने जो राज्य के शहरी विकास मंत्री थे बाबूलाल गौर जी, उनको फोन किया। मैंने कहा कि आप DPR बनाना शुरू करिए भोपाल की और इंदौर की, और हम मेट्रो भोपाल और इंदौर में लाएंगे। एक पॉजिटिविटी से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा विचार करेंगे। और शंकर भैया, आप प्रयास करें केंद्र से वो योजनाएं जो इंदौर शहर के हित में आ सकती हो, मध्य प्रदेश सरकार खुले हाथ से, खुले मन से हमेशा तत्पर होगी इंदौर के विकास के लिए। यह हम आपको खुले मन से आश्वस्त करते हैं। विधानसभा से आते हैं, थोड़ा बहुत नगर निगम का क्षेत्र राव में भी आता है। तुलसी भैया सावेर से विधायक चुन के आए, मंत्री हैं, उनका भी थोड़ा नगर निगम का एरिया आता है। तुलसी भैया की मांग है कि मेट्रो को चलाओ सावेर तक। जीतू भाई कहते हैं मेट्रो को लाओ राव तक। विशाल पटेल जी भी उसमें कह रहे हैं कि उनका क्षेत्र भी इंदौर के ही से लगा हुआ पूरा वो बेल्ट है शहर से, तो उनके यहाँ भी मेट्रो आनी चाहिए। सज्जन वर्मा जी अभी है नहीं, लेकिन उनने भी मांग की है कि देवास तक भी मेट्रो की प्लानिंग होना चाहिए। मैं आप सबको आज ये आश्वासन देता हूँ, और इस बार जब बजट का भाषण हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि देखो, अगर ये काम ठीक से करना है, जनता की सेवा करना है, क्योंकि याद रखो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कारण आज दिल्ली का मेट्रो गुड़गांव से, दिल्ली से गाजियाबाद तक चलता है। तो अगर उस मेट्रो की दूरी एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक 48-50 किलोमीटर है, तो क्यों ना कोई भी श्रद्धालु पूरे देश से आए, इंदौर में लैंड करे और वहां से सीधा मेट्रो से महाकाल के दर्शन करने और जाए। जो धनराशि आवंटित की थी, कई लोग जो जानते, जब केंद्र में कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, इंदौर को लगभग लगभग 27,000 करोड़ की सौगात देने वाला कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम कमलनाथ। मैंने ये भी पिछली सरकार से हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों के माध्यम से तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री जी को और सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रियों से बात मैंने पूछी थी। वर्ष 2016 का जो बजट था वो ट्राइबल बजट की राशि 100 करोड़ रुपए इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए और भोपाल मेट्रो परियोजना के लिए देना बताया गया था। साथियों, करोड़ों रुपए खर्च करना पूर्व की सरकारों ने बताया, काम कहीं पर भी शुरू नहीं हुआ था। करोड़ों रुपए खर्च कर जा चुके हैं। आज हम लोग जो कर रहे हैं इसका शिलान्यास, मैं आप लोगों को भी बात याद दिलाना चाहता हूँ, इन्हीं की सरकार के एक वरिष्ठ नेता ने यह बोला था, 2 साल पहले ये बयान था कि मेट्रो ट्रेन को हम जिस फास्ट स्पीड से लाना चाह रहे थे वो स्पीड तो उसकी खत्म हो गई है और बैलगाड़ी की स्पीड, बैलगाड़ी जैसी स्पीड हो गई है।
ये इन्हीं के नेता ने जो बोला था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत और बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे तमाम जो नेताओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इसमें जो सहयोग किया है, आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं ये कहना और बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की यह प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिणाम है जो आज हमको इतनी बड़ी सौगात जो मिली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।